بسم الله الرحمن الرحيم असल मैं तहनिया फातिमा आप सबका इसकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनिया मैथमेटिक्स क्लासेस में आज हम मशकी सेट एक शार हल करेंगे लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे आइए जरा समझिए पेज नंबर सोलह पर दिया हुआ है आइए जरा समझिए इस तरह के सवाल जब जब भी इस तरह से दिया हुआ रहा कहीं पर आइए जरा समझिए आइए जरा याद रखिए देखिए बोलकर तो वो क्या रहता है इम्पोर्टेंट रहता है तो मश्कर से डे का शर्तन हल करने से पहले हम क्या करेंगे कुछ बेसिक मालूम हासिल करेंगे तो सबसे पहले क्या है मुशाबा मुसलिस मुशाबा मुसलिस हम किसे कहते हैं हम ये लिखेंगे हमारे पास देखिए यहाँ दो मुसलिस दिया हुआ है मुसलिस ए बी सी दिए हुआ है दूसरा वाला क्या दिए हुआ है डी ई एफ दिए हुआ है देखिए यहाँ पर इस तरह से ए बी और सी ये तीन नास किसके मतमाशिल है बताएंगे डी ई एफ के है बताएंगे लेकिन यहाँ देखिए ए के पास किस तरह से एक राउंड दिया हुआ है डी के पास भी यहाँ पर एक है बी के पास दो है और सी के पास तीन है ई e के पास दो है और एफ के पास भी क्या है तीन है तो ए मतमास है डी के और बी मुतमास है ई e के और सी किसके मतमासिल है एफ के यही सब अंदर क्या दिया हुआ है तो मुशाबा मुसलिस मुशाबा मुसलिस को इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर तो मुसलिस ए बी सी और मुसलिस डी ई एफ में मुसलिस ए बी सी में और डी ई एफ में अगर क्या है जाविया ए क्या दिए हुए हैं जाविया ए जाविया ए किसके मुशाबा है जाविया ए मतमासिल सॉरी मुशाबा नहीं इसे हम कहते हैं मुतमासिल मुशाबा सिर्फ हमें इस तरह की अलात को क्या कहते हैं मुशाबा कहते हैं तो यहाँ पर क्या है जाविया ए जाविया ए किसके के मतमासिल है जाविया डी के मतमास जाविया ए मतमासिल है जाविया डी के उसी तरह से जाविया भी यहाँ पर देखिए यहाँ दो हाँ इस तरह से दो लाइन दी हुई है यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर भी ई के दो दिए हुए इसका मतलब क्या है कि ए किसके मतमासिल है ई के तो जाविया बी मतमासिल है जाविया ई के और जाविया सी किसके मुतमासिल है जाविया एफ के जब ये तीनों जिले दूसरे के तीनों मुसलसा आ जाएगा ए बी बटे क्या आ जाएंगा डी ई आ जाएगा तो ए बी बटे डी ई और बी सी बटे क्या आ जाएंगा बी e, सी बटे ई e, एफ और ए सी बटे क्या आ जाएंगा डी एफ ए सी बटे डी एफ हो तो मतलब ए ए मुसलस ए बी सी का ज़िला ए जब ये तीनों ज़िले मुसल, दूसरे मुसलस के तीनों नजर ज़ाव्य के मुश मुतमासिल है तो जिला ए मसाविर हैं जिला ए बटे क्या लिखेंगे डी ई e, लिखेंगे ज़िला बी सी बटे ज़िला ई e, एफ और ज़िला ए सी बटे क्या आ जाएगा डी एफ आ जाएगा हो तो मुसलिस ए बी सी और मुसलिस डी ई e, एफ है अगर मुसलिस के तीनों जिले और तीनों जाविये एक दूसरे के मसावी है तब क्या हो जाएंगा मुसलिस ए बी सी और मुसलिस डी ई एफ़ क्या हो जाएंगे मुशाबा मुसल्लेस है और अगर मुसल्लेस ए बी सी और मुसलिस डी ई एफ मुशा इसे तो इसेत को क्या कहते हैं मुशाबा का इस्तेमाल करके मुसलिस ए बी सी और डी ई एफ मुशा हों तो इसे अलामत का इस्तेमाल करके मुसल्लेस ए बी सी है मुसल्लेस डी ई e, एफ के तो मुसल्लेस ए बी सी मुशाबा डी ई एफ लिखते हैं तो इस तरह से मुशाबा मुसल्लेस यानी इंग्लिश में कहते हैं सिमिलरिटी सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं तब चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है देखते आइए जरा समझिए यहाँ पर भी दिए हुए हैं यहाँ दिए हुए हैं मुसलिसों की मुशाबे की आजमायनि टेस्ट टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रा तो देखते हैं हम इसमें कौन कौन से एंगल्स हम क्या सिमिलरिटी ट्रैंगल्स है ये हम देखेंगे मुसलिस के मुशाहत की आजमाइश कौन कौन से है तो यहाँ दिए वाई दो मुसलिस मुशा के मुशाबा होने के लिए इन तीनों नजीरी अजला तो का तनासुब में होना कह दिए दो मुसलिस का मुशाबा होना दो मुसलिस को मुशाबा होने के लिए इनके तीनों नजरी अजला तीनों नजरी अजला का तनासुब में होना और तीनों नजीरी ज़ावियों का मुतमासिल होना तीनों नजीरी जाविये जाविये मतलब क्या आ जाता है अगर ये मुसलिस है तो मुसलिस ए बी सी जो ए सी है वो क्या है वो जाविया जिला किसको बोलते हैं ए बी इतना वाले खत को क्या कहते हैं जिला कहते है। इसको क्या कहते हैं ए सी को क्या कहते हैं जिला कहते है। लेकिन सिर्फ जाविया ए और जाविया बी और जाविया सी को सिर्फ ए बी और सी को क्या कहते हैं जावी कहते हैं तो सवाल में दिया अगर दो मुसलिस को मुशाबा होने के लिए इनके तीनों नजरी अजला का तनास में होना और तीनों नजरी जावियों का मतमाशिल होना क्या तीनों ज़ावी तीनों नजरी जावियों का क्या होना मतमाशिल होना ज़रूरी है लेकिन इन छह शराइ में से कोई तीन शराब भी पूरी हो तो बाकी शराब ख़ुद ब खुद बाखुद क्या होती है पूरी होती है यानी दो मुसलिस को मुशाबा होने के लिए कोई तीन ही मखसूस शराइ पूरी होना काफ़ी है उन तीनों शरायत की जांच करें तो वो दोनों मुसलिस मुशाबा है या नहीं मालूम कर सकते हैं ऐसी काफ़ी शरायत के ऐसी काफ़ी शरायत के सेट को मुशाबा की आजमाइश कहते हैं यानी दो दो मु मुसलस को यानी दो, दो मुसलसों को मुशाबा दिखाने के लिए ये मखसूस शरायत काफ़ी होती है तो देखते हैं हम शरायत कौन कौन से तो चलिए नंबर वन पहली शराइ कौन सी है मुसलिसों की मुशाबहत के लिए जा जा आज़माइ अच्छा यहाँ दिए हुआ है जा जा आजमाइ मतलब क्या ज़ामिस क्या होता है जाविया जामिज़ क्या होता है जाविया तो जा क्या जाविया का क्या लिखते हैं? सिर्फ जा लिखते हैं। मुसल्लेस की मुशाबेहत के लिए जा जा, जा, जा आजमायश यानी ए, ए टेस्टर एम इस क्या होता है एंगल होता है तो आपको ये सिर्फ याद रखना है आप उर्दू मीडियम के हैं आपको रखना है याद जा जा आजमाइश किसे कहते हैं तो चलिए हम इसे क्या कहते हैं समझते हैं तो दो मुसलिस के, के रासों के दरमियान दो मुसलिस के रासों के दरमियान दी हुई एक से एक की मुताबिकत के लिहाज से बनने वाले तीनों नज़ीर जाविये मुतमाशिल हों तो वो मुसलस क्या होते हैं मुशाबा होते हैं अच्छा दो मुसलसों के क्या हैं ये दो मुसलिस आ गए के रासों के दरम्या रास किसे कहते हैं जिसे ए बी सी पी क्यू आर ये क्या है रास है ए का रास बी बी का क्या है बी का क्यू है बी का रास क्यू सी का रास क्या है आर है दो मुसलस के रासों के दरमियान दी हुई एक से एक के मुताबिक एक से एक के मुताबिक के लिहाज से बनने वाले तीनों नजीरी जावी तीनों नजीरी जावी यानी जाविया ए किसके मतमसिल है जाविया पी के जाविया बी मतमसिल है जाविया क्यू के और जाविया सी किसके है आर के यानी एक के एक मुताबिक के लिहाज से बनने वाले तीनों नजीरी जाविए नज़ीरी ज़ाविये, मतमा हों तो वो मुसलिस क्या होते हैं मुशाबा होते हैं यानी मुसलिस ए बी सी और मुसलिस पी क्यू आर में क्या है ए बी सी पी क्यू आर की मुताबिक़त मत... से अगर जाविया ए मतमसिल है जाविया पी के जाविया बी मतमासिल है जाविया क्यू के और जाविया सी किसके मतमासिल है आर के तो हो तो वो क्या हो जाएंगे मुतमासिल है तो मुसलिस ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो जाएंगे मुसलिस ए बी सी मुशाबा मुसलिस पी क्यू आर के अगर ए जाविया ए मुतमासिल है पी के, तो के जाविया बी मुतमासिल है जाविया क्यू के जाविया सी मुतमासिल है जाविया आर के तो मुसलिस ए बी सी मुशाबा है मुसलिस पी क्यू आर के इस तरह से हमने कौन सी आजमाइश पढ़ी ज़ाज़ा जा आजमाइश उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि जाविया हम किसे कहते हैं और जिला किसे कह तो जाविया हमारे पास क्या है ए बी सी है पी क्यू आर है ये दोनों एक, एक दूसरे के उम्मीदवार और जिला किसे बोलते हैं हम वो भी आगे देखेंगे तो चलिए इसके बाद सेकंड वाला क्या है तो पेज नंबर सत्रह पर है मुसलसों की मुशाबहत के लिए जा जा आजमाइश पहले हमने कौन सी आजमाइश पढ़े जा जा ज़ा आजमाइश मतलब कितने जा थे तीन थे मतलब तीन ज़ाविये थे वहां पर तो इसलिए हम कहते हैं ज़ा-ज़ा जा जा आजमाइश अब यहाँ पर कितनी आजमाइश दी हुई यहाँ पर जाविये जा जा कितने दिए दो दी हुए मुसलिसों की मुशाबहत के लिए ज़ाज़ा जाए इंग्लिश में कहते हैं ए मतलब एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रा तो यहाँ पढ़ेंगे हम रासों के दरमियान एक से एक के मुताबिक दो रा, रासों के दरमियान एक से एक के मुताबिक के लिहाज से अगर एक मुसलस की दूसरे एक मुसलिस की दो जावी एक मुसलिस के दो जावी दूसरे मुसलस के दो नजरी जावी के मतमासिल हो तो पहले मुसलस का बाकी मानदा तीसरा जाविया दूसरे मुसलिस के बाकी मानदा तीसरे की क्या होता है मुतमाशिल होता है इसमें कहा गया है कि दो है और दोनों के रासों के मुताबिक एक के एक मुताबिक अगर एक मुसलस के दो जावी एक मुसलिस के दो जावी जैसे ये दो ये दोनों दो मुसलस में बी एक एक है, है तो क्यू है तो तीसरा क्या हो जाएगा एक एक क्या हो जाएगा यही कह रहा है तो दासों के दरमियान एक से एक के मुताबिक के लिहाज से अगर एक मुसलिस के दो जाविये दूसरे मुसलिस के दो नजीरी जाविये के मुतमास हों तो पहले मुसलिस का बाकी मानदा तीसरा जाविया दूसरे मुसलिस के तीसरे की क्या होता है वो मुतमासिल है तीसरे जाविये क्या होता है मुतमासिल होता है ये हमें मालूम है कि एक मुसलिस की दो जाविये दूसरे मुसलिस की दो नजीरी जाविये की क्या है मुतमासिल हो तो तो भी ये शर दोनों मुसलिस के मुशाबा होने के लिए काफ़ी है अगर क्या दिया है एक मुसलिस के दो जाविए और दूसरे मुसलस के दो नजीरी जाविये अगर एक दूसरे के क्या रहते हैं मतमाशल होते हैं तो हमें क्या है दोनों मुसलिस क्या होंगे मुशाबा होने के लिए क्या है काफ़ी है जिससे ये नतीजा निकलता है कि अगर मुसलिस के दो जाविये दूसरे मुसलस के दो जावियों के मुतमासिल हों तो दोनों मुसलस क्या होते हैं मुशाबा होते हैं अगर एक मुसलस के दो जाविए है और दूसरे मुसलस के दो जाविए दोनों एक दूसरे के क्या है मुशाबा है तो ये कौन सी आजमाइश के वो दोनों भी क्या होते हैं दोनों मुसल एक दूसरे के शाबा होने के लिए क्या हो जाएंगे काफी हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है इस खसूसियत को क्या कहते हैं मुशा बहत की जाजा आजमाइश कहते हैं क्या कहते हैं जाजा आजमाइश कहते हैं पेज नंबर अठारह पर दिया हुआ है तो पेज नंबर अठारह पे देखिए क्या दिया हुआ है मुसलिसों की मुशाबेहत के लिए जिलजाजिल आजमाश अभी हमने देखी ज्यादा आजमाइश देखी और दो देखिए जिलजिल आजमाइश देखिए और याद रखिए अगर वो जो ज़िल जाविया 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 आजमाइश जो था वो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना के ज़ाज़ा आजमाइश इम्पोर्टेंट है क्योंकि दो ज़ाविये अगर एक दूसरे के मतमाशिल है दोनों मुसलस दो दो के एक मुसलस के दो जाविये और दूसरे मुसलस के दो जाविये एक दूसरे के क्या है मुतमासिल है तो वो दोनों मुसल एक दूसरे की क्या हो जाते हैं मुशावा हो जाते हैं इतना मालूम करें तो काफी है इसका मतलब हम क्या करेंगे सिर्फ जा जाजा आजमाइश ही करेंगे जब एक हम क्या करेंगे क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ देखिए क्या है मुसलिस की मुशाबहत के लिए जिल आजमा अच्छा जिल मतलब क्या होता है जिला होता है जा मतलब जाविया फिर क्या दिए हुआ है जिल मतलब जाविया जी मतलब क्या हो जाएगा जिला मतलब दो जिले और एक जाविया मतमास है तो हम किस तरह कहेंगे इंग्लिश में कहते हैं मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राएंगल यहाँ दिया हुआ है देखिए, दो मुसलिस के रासों के दरमियान कोई एक से एक के मुताबिक दो मुसलिस हैं उसके रास से रास के मुताबिक रासों के दरम्या क्या हैं दो मुसलिस के रासों के दरम्यान कोई एक, -एक के एक मुताबिक के लिहाज से अगर इनके नजीरी अज़ला की दो जोड़ियाँ इनके नजीरी अजला की दो जोड़ियाँ जोड़िया एक ही तनासब में हो और इन अजला को शामिल करने वाले जाविये मुतमासिल हों तो क्या होना जाविये क्या होना मुतमासल हों तो दोनों मुसल क्या होते हैं मुशाबा होते हैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिए हुआ है कि मुसलिस के एल एम एन के एल एम ए और आर एस टी में मुसलिस आर एस टी में आर एस टी में तो देखिए के एल के एल के एल बटे क्या आ गया आर एस आ गया के एल बटे क्या आ गया आर एस अगर के एल की वैल्यू एक है और यहाँ आर एस की वैल्यू कितनी है हाफ है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा दो बटे क्या आ जाएंगे तीन आ जाएंगे अच्छा कैसे आ जाएंगा ये हम आपको बताए अगर है ना के एल ब के एल बटे आर एस ए अगर इसकी वैल्यू एक बटा दो आ रही तो एल एम एन की भी वैल्यू एल एम बटे एस टी की वैल्यू क्या आना एक बटा दो आना अगर दोनों वैल्यू सेम सेम आ गई तो इसके जो एल और एस भी वो दोनों भी क्या है जाविये सेम है तो इसका मतलब कौन सी आजमाइश से जिल्जा जी जिल आजमाइश के मुताबिक क्या हो जाएंगी के एलेवन क्या हो जाएंगे मुशाब हो जाएंगे आर एस के लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है के एल बटे क्या दिए हुआ है आर एस के एल बटे आर एस के एल की वैल्यू एक है और आर एस की वैल्यू कितनी है एक एक आचार्य पाँच है इसका मतलब इसका जॉब क्या आ जाता दो बटे तीन आता फिर उसके बाद एलेम एलेवन के बटे में क्या एलेवन बटे एस टी आ जाएगा तो एलेवन बटे एस टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो बटे तीन इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी दो बटे तीन इसकी वैल्यू दो बटे तीन आ गए इसकी बटे दो बटे तीन आ गई मतलब ये दोनों के क्या है जिले क्या हो जाएंगे मुतमासिल हो जाएंगे तो इसका जो जाविया था तो यहाँ पर क्या है जाविया एल और जाविया एस भी क्या हो जाएंगे मुतमासिल हो जाएंगे तो यहाँ पर लिखिए जाविया जाविया के एल एम और क्या है मुतमासिल है जाविया आर एस टी के जाविया एल किसके है जाविया एस के मुतमासिल है तो मुसलिस के एल एम भी क्या हो जाएंगे मुशाबा हो जाएंगा मुसलिस आर एस टी के अब उसी के बाद क्या है थर्ड वाला दिया हुआ वा है देखिए क्या दिया हुआ है आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर दो ज़िले एक दूसरे के मसाइल उसकी दोनों की कीमतें सेम आ गई और एक जाविया उसमें का क्या रहा सेम रहा तो कौन सी आजमाइश कहते हैं हम उसे आजमाइश कहते हैं और दूसरा वाला तीसरा वाला क्या है यहाँ पर मुसल की मुशाबत के लिए आजमाइश क्या दिया है ज़िलाज़ भाई मतलब इसमें है तो तीनों भी जीरे तीनों के एक दूसरे के क्या है ना मुतमास है तो यहाँ पर देखिए देखिये सिमिल्ल... दो मुसलिस के रासों में दी हुई कोई एक से एक के दो मुसलिस के रास दो ये के दो मुसलिस में दी हुई कोई एक के एक कोई एक से एक मुताब के लिहाज से अगर एक मुसलिस के तीनों जिले एक मुसलिस के तीनों जिले जिले मतलब पी क्यू एक जिला हो जाएगा क्यू आर एक जिला हो जाएगा आर है ये तीन जिले हो गए इसमें क्या जिला है? XY एक जिला है वाई जेड जिला है और एक जेड भी तीनों अजला दूसरे मुसलस के तीनों नजीरी अजला मतलब ये मुसलस है ये के ये दूसरे दूसरे मुसलस के क्या कहते हैं जिले को कहते नजीरी अजला के तनासब तनासब मतलब क्या तनासब में यानी बटे में तनासुब में हो तो दोनों मुसलस क्या होते हैं मुशाबा होते हैं अगर तनासब में होते तो दोनों क्या होते हैं दोनों मुसल मुशाबा होते हैं मुसलिस के मुशाबहत की इस आजमाइश को क्या कहते हैं जिल ज़िल ज़िल आजमाइश कहते हैं चलिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है कि मुसलिस पी क्यू आर में मुसलिस पी क्यू आर में और मुसलिस एक्स वाई जेड में मुसलिस एक्स वाई जेड में कि पी क्यू पी क्यू मुतमास है पी क्यू बटे वाई जेड या पी क्यू बेटे क्या दिए वाई जेड फिर उसके बाद क्या दिया है क्यू आर तो क्यू आर बैठे एक्स वाई और पी आर बैठे वाई जेड अगर इसकी भी वैल्यू एक बटा दो है इसकी भी वैल्यू एक बटा दो है और इसकी भी वैल्यू क्या आ गई एक बटा दो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों मालूम है कि इसकी वैल्यू समझो एक बटा दो आ गई इसकी वैल्यू एक बटा दो आ गई इसकी भी वैल्यू एक बटा दो आ गई जिससे तब हम लिखेंगे कि जिलजिल आजमाइसे मुसलिस पी क्यू आर और मुसलिस क्या है मुशाबा है तो मुसलिस पी क्यू तीनों भी एक दूसरे के मसावी आ गए मतलब इसकी वैल्यू एक बटा दो आ गई इसकी भी दो आ गई इसकी भी एक बट ज़रूर नहीं कि एक बटा दो आए इसके चार बटे तीन भी आ सकती पाँच बैठे दो भी आ सकती इसके पाँच बैठे दो आ गई इसके पाँच बटे तीनों की वैल्यू क्या आ गई कीमत तीनों की भी सेम आ गई तो उसका मतलब क्या हो जाएगा ये तीनों जिलजा जिल आजमाश के मुताबिक दोनों मुसलस क्या हो जाएंगे मुशाबा हो जाएंगे तब हम लिखेंगे मुसलस पी के और मुशाबा मुसलस एक्स वाई जेड के इस तरह से हमने क्या करना है हमें इसे हल करना है तो चलिए आपको ये बेसिक मालूम तो हो चुकी होंगी बेसिक मालूम जो थी हमने आपको समझा दी चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्या हल करेंगे पेज नंबर पेज नंबर बीस पर है मिसाल नंबर चार इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे यहाँ पर दिए हुए मसला मुसला शक्ल में क्या दिए हुए है बीपी बीपी उमूद है बीपी उमूद है किस पर एसी पर फिर वहां दिए हुए वह है सी क्यू सी क्यू उमूद है किस पर ए बी पर किस तरह से ए डैश पी डैश सी और ए क्यू ए डैश क्यू डैश बी तो दिखाइए कि मुसलिस ए पी बी और मुसलिस ए क्यू सी क्या है मुशाबा है तो सबसे पहले हम हाँ लिखेंगे और यही दो मुसलिस लिखेंगे ए पी बी और ए क्यू बी में अच्छा ए पी बी में देखिए तो मुसलिस यहाँ दिए हुए ए पी बी में मुसलिस ए पी बी में इतने वाला मुसलिस देखिए और मुसलिस ए पी बी तो यहाँ पी कितना आ गया की वैल्यू क्या है स्ट्रेट एंगल बन गया इस तरह चौकनबाग इसका मतलब क्या है बी कितना है नव्वे डिग्री है फिर उसी तरह से हम यहाँ पर दिया हुआ ए सी क्यू तो ए सी क्यू ए सी क्यू देखे तो यहाँ पर क्यू भी कितना आ गया इस तरह चौकनबाग मतलब ये भी कितने का है नव्वे डिग्री का तो इसलिए नव मसावत एक और दो की बिना पर भी इसकी भी ए पी बी भी कितना है नवे डिग्री का है और यहाँ पर क्या है ए क्यू सी भी कितना है नव्बे डिग्री का है मतलब मसावत एक और दो से एक और दो से मसावत एक और दो से क्या है ये दोनों एक कितनी आ गई नव्द नवी मतलब जाविया ए पी बी मुतमासिल है जाविया ए क्यू सी के अब एक के ये मतलब क्या आ जाएगा कि यहाँ पर क्या आ गया था ए पी ए बी पी ए बी और क्या आ गया क्यू ए सी क्यू ए सी पी ए बी और क्यू ए सी क्यू ए सी तो दोनों में क्या आ जाएंगे कॉमन क्या है ए है क्या है कॉमन ए है तो यहाँ पर कौन सा जाविया कॉमन आ रहा है ए आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे मुश्तरक जाविये यहाँ देखिए पी ए बी आया आ गया था पी ए बी इस तरह से आ गया फिर क्या आ गया क्यू ए सी क्यू ए और ए सी इस तरह से ये पूरा वाला आ गया इतना आ गया तो दोनों का कॉमन राज क्या है ए है तो हमने यहाँ लिखे है मुश्तरक जावे मतलब दोनों भी जावे क्या आ गए ए आ गया तो अभी हमारे पास देखिए कौन सी से आजमा इससे हो गया दो क्या हो गए दो मुसलिस के यहाँ पर क्या हो गए एक दो, दो जावे क्या हो गए एक दूसरे के मतमाशिल है यहाँ पर भी ये दोनों जावी ए भी क्या हो गए मतमासिल है मतलब ये एक मुसल ये एक क्या हो गया जाविया और ये एक जाविया तो कितने जाविया हो रहे दो दोविया तो इसलिए हम लिखेंगे जाजा आजमाय यानी मुसल जाजा आजमाइ की बिना पर मुसलिस ए पी बी शाबा है मुसलिस ए क्यू सी के तरह से हमने मिसाल नंबर चार हल कर दिए फिर उसके नंबर उसके बाद नम, मिसाल नंबर पाँच पूरी हल कर चुकी हुई है मिसाल नंबर एक और मिसाल नंबर दो मिसाल नंबर तीन मिसाल नंबर चार अभी हमने समझा दिया और मिसाल नंबर पांच आपको क्या करना है खुद से हल करना है उम्मीद है आज को आज का आपको जो बेसिक मालूम जो हमने करा है वो समझ में आ चुका होगा आज हमने कौन कौन सी मिसाल कौन कौन सा बेसिक कराया हमने हमने आपको ये ये तीनों तीनों भी चारों क्या करें हमने आपको पूरा समझा दी उम्मीद है आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही साथ बेल अकाउंट पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मश्क़ से हम क्या करेंगे कल हल करेंगे क्योंकि आज आप आपको क्या करना है पूरी बेसिक मालूम है तो एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए अब जो मिसाल जो दी हुई है आप उसे खुद से हल कीजिए तो कल हम मशकी से डे तीन हल करेंगे उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगेगा आपको अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अल्लाह हाफिज़